मथुरा गोविंद नगर थाना स्थित जन्मभूमि के गेट नंबर 2 के पास में विगत दिनों बंद पड़े एक मकान और गोदाम में चोरों ने लाखों रुपए की चांदी को चोर चोरी कर ले गए, जिसके चलते मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की FIR दर्ज कर छानबीन करना शुरू कर दिया था। तो वहीं गोदाम मालिक ने बताया कि चोरी को एक हफ्ता भर होने के बाद भी पुलिस कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही है। पीड़ित ने पत्रकारों को रूबरू होते हुए कहा कि उनका गोदाम जन्मभूमि के रेड जोन एरिया के बराबर है, यहाँ दिन रात पुलिस का पहरा रहता है। इसके बावजूद भी चोरों ने लाखों रुपए के माल पर अपना हाथ साफ कर दिया। चोरी हुई चांदी की कीमत 20 लाख से 25 लाख रुपए बताई गई है। वहीं पीड़ित ने बताया कि एक हफ्ता भवन होने के कारण पुलिस अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है। वहीं पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए चोरी की घटना को जल्द से जल्द खुलवाने की भी गुहार लगाई है, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और चोरों को सलाखों के पीछे पहुँचाया जा सके। अभय गोयल जो मकान मालिक है, उन्होंने घर खोला तो उन्हें मालूम पड़ा कि घर के सारे ताले दरवाजे तोड़े हुए हैं और सारा सामान इत्र बित्र हो रखा है। और उन्होंने जैसे अंदर जाकर के देखा तो उन्होंने देखा कि कारखाने हमारी अलमारी की अलमारी भी टूटी हुई है। उन्होंने मुझे तुरंत सूचित किया और मैंने आकर के देखा तो वाकई में सारा सामान इत्र बित्र और मेरी अलमारी टूटी हुई थी, जिसमें कि चांदी की पायल वगैरह और चांदी की चैन बनाने के सामान था वो भी गायब था। अनुमानित 45 किलो 48 के आसपास में वजन है, 45-48 किलो। अच्छा, जिसकी कीमत जिसकी कीमत समझता हूँ 20 से 25 लाख रुपए के बीच की। अच्छा, ये कौन सी जगह ये 45 एक गोविंद नगर रेड जोन एरिया में आता है, बिल्कुल जन्मभूमि के पास में। तो आपने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस आई, तो अब तक क्या रहा? पुलिस ने कार्रवाई करी है लेकिन कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल पाए अभी तक कोई भी, यानी कि अभी तो कोई। हाँ, अब पीछे की कोई कार्रवाई अंतर्गत कर रहे हो तो वो मुझे अनुभव नहीं है, उस चीज़ का अनुमान नहीं है कोई भी। अच्छा, अभी तक मतलब कोई गिरफ्तार नहीं किया गया?